बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। शाकिब अल हसन बांग्लादेश की अगुवाई करेंगे, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास उप कप्तान की भूमिका में होंगे। वहीं पिछले दिनों रिटायरमेंट के बाद वापसी करने वाले तमीम इकबाल को जगह नहीं मिली है। बांग्लादेश की टीम में तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शोरीफुल इस्लाम, हसन महमूद और तंजीम हसन को भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले बताया है कि टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी वायरल फीवर के शिकार हो गए हैं। ऐसे में हमारे पास केवल 13 खिलाड़ी ही उपलब्ध हैं। इस वजह से टीम में थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। हमारी कोशिश है कि सभी खिलाड़ी समय पर फिट हो जाएं। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी राजकोट में आखिरी वनडे। 27 सितंबर को खेला जाएगा मैच। राजकोट में टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड खास नहीं, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में होगा मैच। भारत ने इस मैदान पर 3 में से 1 मुकाबला जीता, 2 हारे। 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे। भारत अगर सीरीज 3-0 से जीतता है तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा क्लीन स्वीप। भारतीय टीम के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने राजकोट वनडे से पहले बड़ी बात कही है। बांगर ने विकेट कीपर को लेकर चिंता जाहिर की है। बांगर ने बताया कि अगर केएल राहुल को विकेट कीपर बनाया गया तो फिर सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन दोनों को बाहर बैठना पड़ेगा। भारत के खिलाफ राजकोट वनडे खेल सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल। चोट की वजह से मैक्सवेल ने पिछले 2 मैचों में नहीं लिया था हिस्सा। मिशेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस की भी वापसी हो सकती है। स्पिनर तनवीर सांधा को भी मौका दिया जा सकता है। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली के अफ्रीकाई दोस्त एबी डिविलियर्स ने उन्हें रिटायरमेंट की सलाह दी है। डिविलियर्स ने विराट पर बताया कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहता है तो वनडे और टी20 से संन्यास लेने का ये सही समय होगा। वर्ल्ड कप के लिए भारत रवाना होने से पहले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीजा से जुड़े सवाल पर दिया मजेदार जवाब। बाबर आजम ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वीजा आए हैं या नहीं, अगर आ गए हैं तो हम भारत रवाना हो जाएंगे। 5 अक्टूबर से ICC वर्ल्ड कप। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने दिया शिखर धवन पर बयान, कहा मैदान के बाहर और अंदर हमारी दोस्ती बेहद मजबूत। शिखर धवन वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं है। रोहित ने बताया कि हम दोनों ने एक साथ काफी सालों तक क्रिकेट खेला है। वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत के केरला पहुंची अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। नारियल पानी पीते हुए राशिद खान का फोटो वायरल। वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ करेगा अफगानिस्तान। 7 अक्टूबर को धर्मशाला में होंगे आमने सामने।